अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग क्लास टू. क्लास टुडे वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर इनसाइड द कंप्यूटर. इनसाइड द कंप्यूटर मीन कि इनसाइड कंप्यूटर के इनसाइड जो सीपीयू का ये बॉक्स है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए होते हैं ये रीड करेंगे. फर्स्ट हेडिंग है इसकी पार्ट्स इनसाइड द कंप्यूटर, के कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स फिक्स हुए हुए होते हैं. अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स. कंप्यूटर के अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स फिट हुए हुए होते हैं. दीज पार्ट्स आर प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर केस. और ये जो पार्ट्स फिक्स हुए हुए होते हैं ये इनसाइड द कंप्यूटर केस होते हैं. ये लुक एट दिस, ये जो आपका एरिया है अंदर का सीपीयू का, इसके अंदर फिट हुए हुए होते. सम ऑफ दीज पार्ट्स आर एज फॉलोइंग. ये जो जिक्र कर रहा है सम ऑफ द दीज पार्ट्स, ये वो सेवन मेजर पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर में फिक्स हुए हुए होते हैं. इसके अलावा भी और बहुत से पार्ट्स होते हैं, मगर हेयर वी डिस्कस द मेन दीज सेवन पार्ट्स. नंबर वन सीपीयू, सेकेंड मदरबोर्ड, थर्ड रैम, फोर प्रोसेसर, फाइव पावर सप्लाई, सिक्स हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क और सेवन डिस्क ड्राइव. अब इधर क्लास लुक एट दिस सीपीयू, इस पूरे बॉक्स को क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं. इसके अंदर जो ये ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है जो आपको दिख रहा है, लुक एट दिस, इसको मदरबोर्ड कहते हैं. रैम की स्लॉट येरी, ये आपको नेक्स्ट पिक्चर्स में नेक्स्ट पेजेस पे दिखेंगे. माइक्रो प्रोसेसर इस ये जो आपको फैन दिख रहा है इसके नीचे होता है. पावर सप्लाई वो जगह होती है जिधर से हम कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, ये वाला एरिया जहाँ एक ब्लैक केबल लगती है और यहाँ से कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है रन करने के लिए. अब इसमें हार्ड डिस्क यहाँ लगी हुई होती है जिसमें डेटा कंप्यूटर अपना स्टोर कर रहा होता है, और डिस्क ड्राइव ये होती है जो ऊपर सीडी रोम लगी होती है जिसके अंदर हम सीडी लगाते हैं. ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड, फर्दर डिस्कस करते हैं कि सीपीयू क्या कर रहा होता है. नंबर वन हेडिंग है सीपीयू, जिसका मतलब होता है सी मतलब सेंट्रल, पी प्रोसेसिंग, यू यूनिट. द सीपीयू इज अ प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग डिवाइस. सीपीयू बेसिकली क्या है, प्रोसेस करती है और कंट्रोलिंग करती है. प्रोसेस मीन किसी ना जो काम आप कंप्यूटर को करने के लिए देते हैं उस पर प्रोसेस करती है. फॉर एग्जाम्पल नीचे डायग्राम में देखिए, लुक एट हेयर, ये आपको बता भी रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल 6+3 आपने कंप्यूटर को दिया, कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेस किया और उसका आंसर क्या आया, 9. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम इनसाइड द सिस्टम यूनिट. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम है जिसको आप क्या कहते हैं, सीपीयू. ऑल द कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन, जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं, स्टोरिंग वर्ड्स, सॉर्टिंग वर्ड्स एंड नंबर्स एंड अदर एक्शंस आर डन एंड कंट्रोल बाय प्रोसेसिंग यूनिट. जो भी काम आप कर रहे होते हैं उसकी सारी की सारी प्रोसेसिंग कौन कर रहा होता है, ये सीपीयू कर रहा होता है. मतलब आपने कोई भी इसे कैलकुलेशन दी, कोई भी कंप्यूटर को आपने इनपुट दिया कीबोर्ड से, तो वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, इस सीपीयू के पास. वो इस पे प्रोसेस करेगा, वर्क करेगा और फिर किसको रिटर्न करेगा, मॉनिटर. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 10. If you open the CPU case, अगर आप CPU case को open करेंगे, it will look inside as show here. जब अगर आप CPU box को open करेंगे cover को, तो आपको वो inside से ऐसा दिखेगा कि अंदर motherboard है, ये motherboard ही के ऊपर processor लगा हुआ होता है जिसके ऊपर ये cooling fan लगा हुआ होता है जो processor को cool करने में help करता है. फिर ये वाली जो आपकी diagram दिख रही है इसके अंदर ये जिसके पीछे बैक साइड पे फैन है, ये क्या है, पावर सप्लाई, जो कंप्यूटर को क्या देती है, सीपीयू को पावर. ये जो चीज़ है जो सबसे टॉप पे ट्रे टाइप लगी हुई है, ये क्या है, डिस्क ड्राइव. ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट मदरबोर्ड. मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड इसका फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ लीजिए नाम क्यों रखा गया. मदर जिस तरह घर का मेन कंपोनेंट होती है, इसी तरह सीपीयू का जो मेन कंपोनेंट है उसे मदरबोर्ड कहते हैं.
क्यों कहते हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। दिस इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड कॉल्ड द मदरबोर्ड। ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है जिसको आप क्या कहते हैं मदरबोर्ड। कंप्यूट सीपीयू के अंदर लगा हुआ होता है, ये जो लगा हुआ है ना ये यही है, बस कलर डिफरेंस है। आपकी जितने भी कंपोनेंट कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट हुए हुए होते हैं ना वो इससे कनेक्ट हुए हुए होते हैं, ये जो आपको बोर्ड दिख रहा है जो मदरबोर्ड है। अगर आप ये देखिए स्टूडेंट, लुक एट दिस, ये आपको जो दिख रहा है जहाँ मेरा कर्सर है येलो कलर का, ये वो एरिया है जहाँ आप अपना यूएसबी लगाते हैं, एक कीबोर्ड लगाते हैं, माउस लगाते हैं, ये वो जगह, ये वो स्पेस है जहाँ आप अपना प्लग इन करते हैं स्पीकर्स को, ये वो स्पेस है जहाँ आप प्लग इन करते हैं अपने प्रिंटर को। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट हुई भी किस बोर्ड से, मदरबोर्ड से। तो याद रखिएगा ये मदरबोर्ड इसी वजह से इससे कहते हैं क्योंकि ये मेन बोर्ड है, विदाउट इसके हम कोई काम नहीं कर सकते, ये सबसे मेन कंपोनेंट है सीपीयू का। एज अ मदर केयर्स फॉर हर चिल्ड्रन एट होम एंड प्रोवाइड देम विद फूड एंड अदर नेसेसिटीज, लाइकवाइज द मदरबोर्ड केयर्स फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर एंड प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। एज मदर केयर, जिस तरह हमारी मदर्स हमारी केयर्स करती हैं बच्चों की घर के ऊपर, उन्हें प्रोवाइड करती हैं फूड और उनको जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती है, नेसेसिटीज़ का मतलब है जो ज़रूरी चीज़ें। लाइकवाइज इसी तरह मदर बोर्ड केयर्स करता है ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को और प्रोवाइड करता है नेसेसरी ज़रूरी इंफॉर्मेशन टू देम ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन के दौरान टू कम्प्लीट द स्पेसिफिक जॉब। मतलब आप जब भी कंप्यूटर को कोई भी काम देते हैं तो ये मदरबोर्ड मेन कंपोनेंट है जो क्या करता है, उस ऑपरेशन को कंप्लीट होने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे किससे कनेक्ट हुए हुए होते हैं, हमारे मदरबोर्ड से। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 11। नाउ लुक एट हियर, अभी हमारा एक जिक्र हो रहा था जिसे हम रैम कह रहे थे, वो ये रैम होती क्या है, मेमोरी, रैम। दिस इज अ मेमोरी चिप, बेसिकली एक मेमोरी चिप है। मेमोरी क्या है, मेमोरी क्या होती है, याददाश्त। तो ये कंप्यूटर की याददाश्त है। किस तरह, द मेमोरी चिप इज ऑल्सो नोन एज रैम, और इसको मेमोरी चिप को क्या कहते हैं, रैम कहा जाता है। रैम स्टैंड फॉर रैम का एब्रीविएशन क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट होल्ड द इनपुट डैट वी गिव टू द कंप्यूटर, ये वक्ती तौर पे होल्ड करता है, अपने पास रखता है इंफॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर को देते हैं। इट ऑल्सो होल्ड द आउटपुट मेड बाय द कंप्यूटर, ये वो भी अपने पास होल्ड करता है जो कंप्यूटर आउटपुट आपको दे रहा होता है, मगर अपने पास होल्ड करता है, याद रखिएगा होल्ड करता है स्टूडेंट, सेव नहीं करता। सेव और होल्ड डिफरेंट चीज़ें। सेव का मतलब ये होता है कि परमानेंट तौर पे आपने कोई चीज़ सेव कर दी, और होल्ड का मतलब है आप टेम्परेरी रखा हुआ है आपके पास, हमेशा आपके पास नहीं रहेगा। व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर द कंटेंट ऑफ दिस चिप आर रिमूव, ये वो वजह है जो वो कह रहा था होल्ड करता है, होल्ड करता है कि जब भी अगर आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ करेंगे तो जो भी डेटा इस पर सेव होगा, टेम्परेरी होल्ड होगा, वो सब रिमूव हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन ये बात समझ लीजिए कि सेव और होल्ड में डिफरेंस क्या है। आपके मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ होता है जिसके अंदर आप डेटा सेव कर रहे होते हैं, कि आप अगर मोबाइल स्विच ऑफ भी कर दें 4, 5, 6, 7 डेज बाद भी ओपन करें तो वो डेटा उसमें सेव रहेगा, ये होता है सेव। और होल्ड का मतलब है रैम अपने पास जो भी चीज़ रखती है वो टेम्परेरी तौर पर रखती है। उसकी एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट टाइम मोबाइल जब ओपन करते हैं, स्विच ऑफ करने का ओपन करते हैं, तो जो भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, वो टाइम लेता है ओपन होने में फर्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि वो होल्ड होता है, कहाँ लोड हो रहा होता है, मेमोरी में, रैम में। मगर जब वो एक दफ़ा लोड हो जाए और फिर आपको उसको क्लोज करें और दोबारा ओपन कर लें उसी एप्लीकेशन या उसी सॉफ्टवेयर को, तो वो फौरन खुल जाता है। उसकी वजह क्या है कि वो किस में लोड हुआ हुआ होता है, रैम में। मगर ये कब तक रहेगा, जब तक आप स्विच ऑफ नहीं कर देंगे। जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे सारे कंटेंट चिप्स के रिमूव हो जाएंगे, और फिर से आप अगर कोई चीज़ ओपन करेंगे तो टाइम लेगी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है।
दिस इज माइक्रो प्रोसेसर, ये है माइक्रो प्रोसेसर, ये मेन कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, ये वो कंपोनेंट है जो माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है, द कैलकुलेशन एंड ऑल अदर ऑपरेशन आर डन इन दिस माइक्रो प्रोसेसर चिप, जितने भी ऑपरेशन हैं वो इसी माइक्रो प्रोसेसर चिप पे परफॉर्म होते हैं, इसी के थ्रू परफॉर्म, ये मेन कंपोनेंट है। पावर सप्लाई क्या होती है, ये वो जगह है पावर जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई करती है, ऑल द कंप्यूटर कंपोनेंट जितने ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ सीपीयू जितने भी हिस्से हैं पीसी के कंप्यूटर के नीड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू परफॉर्म देयर फंक्शन, उसको क्या चाहिए, किस जितने भी कंप्यूटर के हिस्से हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, मोस्ट ऑफ देम नीड 5 वोल्ट सप्लाई व्हाइल सम ऑफ देम रिक्वायर 12 वोल्ट, डिफरेंट वोल्ट होते हैं इसके सप्लाई के, द पावर सप्लाई यूनिट कन्वर्ट हाई वोल्टेज करंट टू लो वोल्टेज टू कीप द कंपोनेंट सेफ। तो जितने भी कंप्यूटर का कंपोनेंट है ये पावर सप्लाई कन्वर्ट क्या करता है, हाई वोल्ट से करंट को लो वोल्ट में कन्वर्ट करता है, क्या करने के लिए कि कंप्यूटर के कंपोनेंट को सेफ रखे, क्योंकि जो नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आती है वो 220 की होती है और उसको जो कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर रहा है वो इस सप्लाई को यूज़ कर रहा है, उस हाई वोल्टेज 230 के करंट को ये अपने पास से कन्वर्ट करता है, उसको लो में कन्वर्ट करता है और आगे प्रोवाइड कर देता है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को। पावर सप्लाई अगर आपकी ख़राब है तो आपका कंप्यूटर ओपन होगा ही नहीं। ओके चिल्ड्रन, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट, नाउ वी टॉकिंग अबाउट हार्ड ड्राइव। जिस तरह स्टूडेंट मोबाइल फोन में मेमोरी कार्ड लगता है ना डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि मोबाइल फोन एज कंपेयर टू कंप्यूटर तो छोटा है, बहुत हैंड हेल्ड डिवाइस है, हैंड में आ जाती है, इस वजह से उसकी स्टोरेज डिवाइस जिसे मेमोरी कार्ड कहते हैं वो भी बिल्कुल छोटा सा होता है, मगर एज कंपेयर टू सीपीयू वो बड़ा होता है, तो उसके अंदर जो हार्ड ड्राइव का साइज होता है डेटा सेव करने का वो भी बड़ा होता है। अगर आपको मोबाइल में डेटा सेव करना है तो मेमोरी कार्ड चाहिए, और अगर कंप्यूटर में डेटा सेव करना है आपको तो क्या चाहिए, हार्ड ड्राइव चाहिए। हार्ड ड्राइव होती क्या है, द हार्ड ड्राइव इज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, परमानेंट कहते हैं मुस्तकिल तौर पर स्टोरेज डिवाइस है किसकी, कंप्यूटर की, मतलब कंप्यूटर में कोई भी डेटा परमानेंटली तौर पे जो सेव होता है वो किस पे होता है, हार्ड ड्राइव पे, इट इज़ फिक्स इनसाइड द कंप्यूटर इनसाइड द सिस्टम यूनिट, और ये फिक्स होती है सीपीयू के अंदर। अब बात करते हैं डिस्क ड्राइव क्या होती है, जिसे हम डिस्क ड्राइव, ये डिस्क ड्राइव है जिसे हम क्या कह रहे हैं, डिस्क ड्राइव इज प्रोवाइड इन द सिस्टम यूनिट वेयर इन अ डिस्क इज इंसर्ट। डिस्क ड्राइव क्या होती है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, ये किसी दौर में यूज़ होती थी, अब ये यूज़ नहीं होती ज़्यादातर, ये इसको फ्लॉपी डिस्क भी कहते थे। अगर आप लेटेस्ट कंप्यूटर जो आते हैं, अगर अपने कंप्यूटर लैब के भी कंप्यूटर में देखें ना, तो ये नहीं लगी हुई होगी। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? अब हम आपको शो करते हैं कि सीपीयू के बॉक्स की जो क्लियर इमेज मदरबोर्ड की होती है वो कैसे होती है, वेट करिएगा। लुक एट दिस स्टूडेंट्स, ये सीपीयू का इनसाइड है, इस पिक्चर में थोड़ा आपको क्लियर होगा, ये देखिए ये सीपीयू का इनसाइड, ये देखिए ये मदरबोर्ड होता है, ये वो फैन मैंने आपको बताया था ना, फैन लगा हुआ था प्रोसेसर में, इसके नीचे फैन होता है, ये जो आपने पढ़ी थी रैम वो देखिए, ये वो लगी हुई रैम 1 2, हर मदरबोर्ड में 4 स्लॉट्स होती हैं रैम लगाने की, आप 4 रैम लगा सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये लगी हुई है हार्ड ड्राइव, जो इधर लगी हुई ये स्क्रू से लगी हुई है इनसाइड, ये इनसाइड फिक्स हुई हुई होती है, ठीक है। ये आपकी लगी हुई है सीडी रोम, ये वो है क्या, पावर सप्लाई, ये पावर सप्लाई होती है जो देखिए सारे कंपोनेंट को, ये देखिए वायर्स पावर सप्लाई से निकल के ये सब जगह जा रही है, यही मदरबोर्ड को जा रही है, यही आपकी किसको जा रही है,
सीडी रोम को जा रही है, हार्ड ड्राइव को जा रही है। इससे ये प्रूव होता है कि पावर सप्लाई वो मेन कंपोनेंट है जो इनसाइड द कंप्यूटर सबको क्या प्रोवाइड करता है, पावर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट, ओके, हियर इज आवर चैप्टर इज फिनिश। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।